आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ मीठे मीठे यमी यमी तरबूज से। अच्छे लगते हैं ना, आजकल सीज़न चल रहा है तो आम तरबूज ये ना अभी सीज़न के फ्रूट्स हैं तो ज़रूर खाने चाहिए। और मैंने इतना नेकलेस पहन के सज धज के क्यों बैठी हूँ, तो मैं आज कहीं बाहर गई थी, कुछ ओकेशन था, आपको आज मेरी शाम की वीडियो में पता चल जाएगा। और फिर ये शाम को मैं बना रही थी भिंडी की सब्ज़ी। हमारे ना भिंडी की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा बनती है क्योंकि मेरी फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है। आपको भी पसंद है अगर भिंडी की सब्ज़ी तो आप मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे मेरी सब्ज़ी तैयार हो गई थी तो मैंने गैस बंद कर दिया था। उसके बाद मैं शाम को, बहुत अच्छी ना ठंडी हवा चल रही थी तो मैं ऊपर छत पर आ गई थी विहान को लेके, क्योंकि विहान अब इतना बड़ा हो रहा है ना तो उसको भी थोड़ा सा बाहर की हवा मिलनी चाहिए ना। तो अभी इसको बाहर तो लेके नहीं जा सकते तो मैं इसको छत पर ही थोड़ा सा घुमा देती हूँ। तो यहाँ पर मैं विहान को ज़मीन पर बैठा रही थी क्योंकि पक्के फर्श में ना, जैसे हमारा फर्श है उस पर चलना नहीं सीख सकता, यहाँ ही आराम से चलना सीख सकता है। और ये मेरा खाना था जो मैं रात को खा रही थी, तो एक ही रोटी खाती हूँ मैं रात को, दही ले ली थी, थोड़ी सब्जी, और मैंने थोड़े ना उबले हुए चने भी ले लिए थे, रखे हुए थे जैसे सुबह उबाले थे। तो इस तरीके से ना, मतलब रात को मैं बस इतना ही खाना खाती हूँ, और जैसे दही वगैरह और चीज़ें ज़्यादा ले लेती हूँ। और ये अगला दिन था, मैं सुबह मैं तैयार हो गई थी, मैंने वो शूट नहीं लिया ब्लॉग में, और विहान बाबू सो रहा था और मैं फ्रूट्स खा रही थी सुबह ब्रेकफास्ट में। मैं लीची खा रही थी और मैं आम खा रही थी। तो इस तरीके से ना, मतलब मेरा अभी जो मैं खाना खा रही हूँ उसमें लगा लो 40% जो मेरा खाना है ना वो फ्रूट्स से आता है। ठीक है जी, तो आप भी खाया कीजिए, लीची भी अच्छी लगती है ना खाने में। हाँ जी, कैसे हो आप सब? आज मैं आप सबके क्वेश्चंस का आंसर्स देने आई हूँ। आप सब मुझसे बहुत से क्वेश्चंस पूछते हो, ठीक है? तो आज पहला क्वेश्चन तो आप मुझसे पूछते हो कि आपके चेहरे का, फेस का ग्लो का क्या राज है। तो मेरे फेस के ग्लो का राज है, देख लीजिए, देखिए मैं कुछ नहीं लगाती हूँ चेहरे पे, जो मुझे कहते हैं ना कि कुछ लगाती होगी जरूर, तो ये देखिए कर्टेन ना, ये देखिए मेरे चेहरे पे कुछ भी नहीं है इस टाइम, ठीक है? तो जो मेरे फेस पे ग्लो का राज है वो है कि मैं पिछले 1-1.5 महीने से फ्रूट्स खा रही हूँ। एक टाइम मैं खाना नहीं खा रही हूँ, मैं रोटी एक टाइम की मिस करके, जैसे आपने देखा है, तो मैं फ्रूट्स खाती हूँ, 1 या 2 टाइप के फ्रूट्स खाती हूँ। फ्रूट से जो आता है फेस पे ग्लो आता है, ठीक है? और साथ में मैं नारियल पानी भी पी रही हूँ पिछले 15-20 दिनों से, ठीक है? तो नारियल पानी और फ्रूट्स, ठीक है, ये काम मैं करती हूँ। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन आप पूछते हो कि मेरे बालों का क्या राज है, तो कुछ तो जेनेटिक होता है, बालों का राज जो होता है ना जेनेटिक होता है। इसके अलावा मैं अपनी जो स्किन रूटीन का जो केयर है उसमें मैं कौन सा शैम्पू अभी यूज़ कर रही हूँ मैं वो बता देती हूँ, ठीक है? मैं वो शैम्पू नहीं बता रही हूँ कि मतलब मैंने अभी कुछ टाइम पहले, मतलब 2-3 महीने पहले यूज़ करती, जो करंट में मैं पिछले 15-20 दिन से यूज़ कर रही हूँ मैं बस वही बता रही हूँ। मैं पैंटीन यूज़ करती हूँ शैम्पू में, या फिर डव भी यूज़ कर लेती हूँ फिलहाल के टाइम में, पैंटीन, डव, हाँ, और कंडीशनर ज़रूर यूज़ करती हूँ मैं। जिस दिन कंडीशनर यूज़ नहीं करती ना उस दिन मेरे बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, मतलब 2 दिन बाद ही मुझे फिर से सिर धोने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो ये चीज़, दो चीज़ मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दी ना। हाँ, और तीसरी चीज़, आप मेरी जो मैं साथ में पिक्स लगा रही हूँ आप उसमें देख सकते हो कि मेरी पर्सनैलिटी क्या थी, मतलब बच्चा होने के बाद, मतलब ये 3 महीने पुरानी फ़ोटो है मेरी, और आज की फ़ोटो आप मेरी देख लीजिए, ये देखिए, ये मेरे सूट है ना, ये देखिए मेरी पर्सनैलिटी में मेरा वजन कितना डाउन हुआ है, चलिए मैं बताती हूँ आपको। ज़्यादा नहीं हुआ, ऐसा नहीं कहती हूँ कि मैं अपनी वो जो मेरी प्रेगनेंसी से पहले की जो मेरी फ़ोटोज़ है वहाँ तक तो अभी मैं नहीं पहुँची हूँ, अभी उसमें मुझे कुछ महीने और लग जाएंगे, ठीक है? लेकिन मैंने क्या किया है, देखिए मैंने वजन घटाया है, मैंने करीबन 8 किलो वजन, मैं जब मैं मेरा बेबी होने के बाद, जैसे ये विंटर्स की फ़ोटो है मेरी फरवरी की जो मैंने लगाई है आपके सामने, तो उस फोटो से अभी का आप मेरे को देख रहे हो, तो मैंने 8 किलो वजन तोड़ दिया है, मतलब 3-4 महीने में मेरा 8 किलो वजन टूटा है, वो भी इतना कुछ एक्सरसाइज नहीं करी मैंने, इतने स्ट्रेस में भी रही हूँ, फिर ऐसा क्या किया है मैंने कि मतलब मेरा वजन इतना आसानी से मतलब टूट गया, और वो भी अडंगा भी खाया है। पहली चीज़ तो मैंने आपके सामने हमेशा दिखाया है कि मैं अडंगा खाती हूँ, चाउमीन चाउमीन खा रही थी, खाती थी ना, लेकिन मैं खाती कितना थी वो भी तो देखो ना, मैं 4 चम्मच खा रही थी, थोड़ा ले रही थी चीज़, ऐसा नहीं कि भर भर के कभी खाया हो मैंने, नहीं, जलेबी आई है तो उसका छोटा सा पीस ले लेती थी बस खाने के लिए, मतलब बस मुँह पे ना, जीभ पे, मतलब वो टेस्ट आ जाए कि हाँ बस जलेबी का टेस्ट पता है मेरे को कैसा होता है बस, ठीक है? क्वांटिटी मैंने कम करी थी। दूसरी चीज,
जो मैंने करी है, मैंने आपको बता दिया कि मैं खाने में ना जैसे लस्सी ज्यादा पी रही हूँ, लस्सी दो दो तीन तीन गिलास लस्सी पी लेती हूँ, नारियल पानी पी लेती हूँ। जैसे ही मेरे को भूख लगती है ना, मेरे को लगता है कि यार बहुत भूख लग रही है, मैं जाके एक गिलास लस्सी पी लेती हूँ, या फिर मैं पानी पीती हूँ पहले एक डेढ़ गिलास, और उसके बाद मैं देखती हूँ कि मैं अब इतना पीने के बाद भी अब भी मुझे भूख लग रही है नहीं। अगर मेरे को नहीं लग रही तो मैं, समझ रही हो ना, मैं फिर नहीं मतलब कुछ खाती हूँ। और रोटी मैं कम करती हूँ। देखो अगर आपको भी वजन घटाना है ना मेरी तरह, तो आपको ना रोटियों पे तो कमी करनी पड़ेगी। रोटियाँ आपको, रोटी और मीठा, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप दिन की 7 से 8 रोटी कर रहे हो, तो आप 3 रोटी कर दो पूरे दिन में, 2 या 3। मैंने इतनी खाती हूँ मैं रोटी कम खा लेती हूँ, मैं और चीज़ें ज़्यादा खा लेती हूँ, हेल्दी चीज़ें खाती हूँ जिसमें ऑयल कम हो, और सब्जी भी थोड़ी कम खाओ। जैसे दाल है ना उबली हुई लेके उसमें आधा इतना थोड़ा चम्मच घी का डाल दो, और मसाले कर दो। मतलब आपको ना सब कुछ पता है, लेकिन आप ना वो चीज कर नहीं पा रहे, क्योंकि आपके अंदर मन में एक वो नहीं होता स्ट्रॉन्ग विश्वास जो होता है कि ना, हाँ डिटर्मिनेशन कि नहीं मुझे करना ही है, वो चीज अभी है ही नहीं आप में। जिस दिन आ जाएगी ना कि हाँ आपको कुछ चाहत है, पाना है, तो तब तो आप पक्का उस चीज को अचीव कर लोगे, आई एम श्योर अबाउट इट। और मेरी पर्सनैलिटी में आपने देखो, हर इंसान की पर्सनैलिटी में कुछ कुछ कमियां होती है, ठीक है, कुछ एडवांटेजेस होते हैं इंसान को दी जाते हैं, डिसएडवांटेज भी होते हैं, तो जो कमियां है ना उनको हमें ठीक करना पड़ता है, ठीक है, जो अपने हाथ में है। तो देखो मेरे अंदर भी, मैंने ऑन कैमरा बहुत बार बताया, मेरी जो एक आईब्रो है वो थोड़ी अपलिफ्ट हो जाती है, लेकिन वो कब होती है ना, वो चीज़ भी मैं आपको बता देती हूँ। जब मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती हूँ ना, स्ट्रेस में आके मैं जोर देती हूँ बहुत ज़्यादा, तब मेरी ये अपलिफ्ट होती है, वरना इतना नहीं है, इतना नॉर्मल रहती है। अब देखो अभी आपको इतना नहीं दिखेगा ये देखो, और किसी किसी मेरी वीडियो होगी ना पुरानी, उसमें आप देखना बहुत ज़्यादा अपलिफ्टिंग दिखती है। क्यों? जब मैं स्ट्रेस में आती हूँ, टेंशन में आके एकदम से मतलब जोर देती हूँ ना खुद पे, परेशान होके, तब होता है ये चीज़ मेरे साथ। तो मैंने अपनी पर्सनैलिटी पे अभी भी काम कर रही हूँ। देखो कपड़ों का भी बहुत ज़रूरत होती है, मतलब ज़रूरी होता है पर्सनैलिटी इंप्रूवमेंट में, पर कपड़े ऐसा नहीं है कि महंगे कपड़े ही मतलब आपकी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करेंगे, सस्ते कपड़े भी आपकी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन आप उनको ढंग से कैरी कीजिए, ठीक है। ये सिंपल सा मेरा जैसे सूट था, आपको आई एम श्योर ये सूट मेरा बहुत अच्छा लगेगा, ये देख लीजिए, ठीक है। ये सूट मैंने खरीदा था, चलो ये तो मेरा थोड़ा सा महंगा था सूट, आई थिंक 800 रुपये का था बस वो, मतलब लेकिन मेरे को लगता है मैंने पैसे ज़्यादा दे दिए थे उस टाइम। मेरे को लगता है अगर वो दुकानदार मेरे को ये सूट 650-700 तक का दे देता, अगर मैं थोड़ा कम करवाती, मैंने करवाया नहीं था उस टाइम, तो ये खरीदा था, ठीक है। इसके साथ ना मेरे को सलवार मिली थी, पर मैं सलवार नहीं, मैं पजामी पहनती हूँ, ठीक है। ये दुपट्टा हो गया, ठीक है। कलर, सबसे पहली चीज़ है कलर, देखो आप पे कौन से कलर सूट करते हैं वो पहनो, तो हर चीज़। और देखो देखो भी रोज ना हर चौथे दिन कुछ ना कुछ अपने हेयर स्टाइल के साथ भी एक्सपेरिमेंट करने चाहिए। जैसे देखिए मैंने आज जैसे छोटी बना ली, कुछ अलग किया ना, जैसे आगे से देखो ये पफ दे रखी है थोड़ी सी बालों की, साइड लुक दे दी, कानों के ईयरिंग्स आप खरीदो, मतलब ऐसे नहीं कहते कि बहुत ज़्यादा खरीदो, मेरे पास भी इतनी ज़्यादा जोड़ी नहीं है, मेरे पास सिर्फ 4 जोड़ी है कानों की, उसमें से सिर्फ मैं 3 है जो रेगुलर पहनती हूँ कानों में, ये देखिए, एक ये पहन लेती हूँ, एक ये वाली है मेरे पास, ये भी आपने कभी कभी देखी होगी, तो बस ज़्यादा नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं उनको अच्छे से कैरी करना जानती हूँ। ये देखिए ये वाली जोड़ी है मेरे पास, और एक ये वाला सेट है जो मैं बहुत बार पहनती हूँ वीडियो में, तो बस इतना ही है मेरे पास। ऐसे नहीं है कि मेरे पास बहुत भर भर के चीज़ें रखी हैं, देखिए कोई, मैं भी इतनी लैंडलॉर्ड तो हूँ नहीं, मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से ही हूँ, तो आप बस ना चाहे कम चीज़ लीजिए, पर उसको अच्छे से कैरी करिए, मतलब देखिए इस वाली पे मेरे को ये लगा कि ये ज़्यादा अच्छी लगेगी, ये अच्छी नहीं लगती, ये देखिए। तो इस तरीके से आप थोड़ा सोचा कीजिए कि आप जो पहन रहे हो, जैसे बिंदी है, मैंने मैचिंग नहीं लगाई, मैंने कॉन्ट्रास्ट लगाई है जैसे ब्लू कलर की, क्यों? क्योंकि इसके अंदर देखो हल्का सा शेड है ब्लू कलर का, समझे? और जैसे मैंने नथ पहनी हुई है, अच्छी लगती है ना, अलग सी लुक दे देती है। तो इस तरीके से आप भी कुछ एक्सपेरिमेंट कीजिए। आपको पता नहीं है शायद, मैंने कभी बताया नहीं, मेरे ऊपर के भी ये 2 कान बिंदे हुए हैं, इनमें भी छेद है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, एक यहाँ पे भी करवाना चाहती थी, ये मैंने कॉलेज टाइम में करवाए थे, मतलब शौक था भाई, लोगों को देखती थी कि अलग अलग टाइप की बालियाँ पहनते थे, तब मेरे को लगा कि मुझे भी पहनना चाहिए, पर अब नहीं अच्छा लगता मेरे को, तो मैं नहीं पहनती कई बार। तो इस तरीके से खुद के साथ एक्सपेरिमेंट करना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए आपको अपने चेहरे पे लीपा पोती की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो आपको मैं नए नए हेयर स्टाइल्स बनाने, कैसे आप हेयर स्टाइल्स की लुक ले सकते हो, मैं वो भी आपको सिखा दूंगी, मुझे बहुत सारे आते हैं, पर मैं आजकल 2-3 ही हेयर स्टाइल रखती हूँ, बस नॉर्मल पोनी टेल कर ली साइड में, पफ बना ली या पीछे बाल बांध लिए, है ना, पर लुक दे खुद के साथ एक्सपेरिमेंट करो, ठीक है ना। तो
आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आए, और मैं इसकी ड्रेस की एक आखिरी लुक मैं हमेशा अब से दे दिया करूंगी। मैंने सोचा है मैं वीडियोस में, जैसे वीडियोस की स्टार्टिंग में ना देके जिनको देखनी होती है ना लुक, वो मैं जैसे वीडियो को एंड करती हूँ ना जब मैं, तब आखिरी में एक लुक दे दिया करूंगी, ठीक है, अपनी ड्रेसेस की, ताकि आपको समझ आए कि कैसे ड्रेस के साथ कैसे इयररिंग्स पहनने हैं, कैसे खुद को कैरी करना है अच्छे से, ठीक है, स्मार्ट बनना है। देखो भगवान ने जो रंग रूप मेरे को दिया है मेरे को पता है कैसे, लेकिन अपना तौर तरीका जो रखने का है वो तो आपके हाथ में है ना, कैसे रखोगे आप अच्छे से खुद को कैरी कीजिए, है ना। तो मैं आपकी हेल्प कर दूंगी, मैं पक्का आपको करूंगी, बताऊंगी। तो मैं ना जैसे बालकनी में छोटे छोटे ना शॉर्ट्स ले लिया करूंगी रोज के 20 सेकंड के, और वो मैं वीडियो के एंड के क्लिप में डाल दिया करूंगी, ताकि आपको समझ आए कि आपको कैसी ड्रेस चूज करनी है अपने पर्सनैलिटी के हिसाब से, कैसे खुद को कैरी करना है, ठीक है। मैं अगर मुझे नहीं कुछ मेरी गलतियां हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अपना ध्यान रखिए और मेरी आखिरी लुक ले लीजिए, और मेरी लुक अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू।